नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। अभी अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक इंटरव्यू लिया गया है। उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातों को बताया गया है। वो वीडियो अभी नहीं चला है, लेकिन कुछ देर के बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड पे उस वीडियो को चलाया जाएगा। और ये शायद जो इंटरव्यू लिए हैं न्यूज 18 के जो पत्रकार हैं रजनीश कुमार, उनके तरफ से इंटरव्यू लिया गया है। अभी जो टीवी के नीचे ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मार्च के पहले सप्ताह में आपका सातवें चरण का बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अब शुरू होने का मतलब है कि अभी जनवरी चल रहा है, तो हो सके मार्च के फर्स्ट वीक में आपको सातवें चरण का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहाली प्रक्रिया होने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हो। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही फिर सारी बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाता है। 1 से 2 महीना आपको फॉर्म भरने का भी टाइम दिया जाएगा। तो समझिए कि हमें अनुमान है कि सातवें चरण का जो बहाली प्रक्रिया होगा, मार्च के फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25 फरवरी तक आपको छठे चरण का जो नियुक्ति पत्र है वो मिलना है। 25 फरवरी को ये भी साफ बोल दिए माननीय शिक्षा मंत्री जी की उनके तरफ से कि 25 फरवरी को जितने भी चयन शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो फर्स्ट राउंड के, सेकंड राउंड के या थर्ड राउंड के, 25 फरवरी को हर हाल में उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्योंकि कल पेपर में जिस तरह से स्टेटमेंट छापा गया था, उसको देखकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश था, और आक्रोश देखने के बाद वो ट्विटर हैंडल पे गए और उन्हें तय समय पर नियुक्ति पत्र मिले, इस तरह का हैशटैग चलाया और उनकी बातों को शिक्षा विभाग में पहुंचाया गया। और उनके तरफ से जस्ट 24 घंटा के बाद एक स्टेटमेंट आया कि तय समय से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और 17 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक जो तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो भी अपने समय अनुसार ही चलता चलेगा, लेकिन उसके अनुसार कुछ कोरोना गाइडलाइन आपको पालन करना होगा। जो कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ में सैनिटाइजर, ये सब लेके आपको वहाँ पे जाना होगा। तो एक छोटा सा इंटरव्यू शायद आपको देखने को मिल सकता है, या बड़ा भी हो सकता है, 5 या 6 या 7-8 मिनट का हो सकता है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू आएगा उसके हम वीडियो बना के आपको अप टू डेट जरूर देंगे। तो उस इंटरव्यू का आप इंतजार कीजिए। फिलहाल अभी जो जितना छोटा सा अपडेट आया था वो अपडेट हम आपको दिए, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो भी अपडेट हम उसका वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो प्लीज ये वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।